इन साथियों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रियाधीन है। अब यहाँ पर देखिएगा तो टीचर रिक्रूटमेंट 3 को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, जैसे कि आपका ओएमआर नहीं आना, जैसे कि आपका रिस्पॉन्स शीट नहीं आना, जैसे कि यहाँ पर आंसर की का नहीं दिया जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ में यहाँ पर जितने भी न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि जो वैकेंसीज का रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया है उसको TRE3 में जोड़ा जाएगा, और कुछ ऐसे हैं न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं कि TRE3 में ये नहीं जोड़ा जाएगा। तो क्या है सच्चाई, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, और विचार करने का कार्य तो आपका ही है कि क्या हो सकता है, और इंतज़ार हम लोग कर सकते हैं कि अगली बहाली में क्या ये पदों की संख्या जोड़ी जाएगी। इसके अलावा जो आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर बिहार में STET जो 2024 का दूसरा होने वाला है, मतलब कि दूसरा चरण जो होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि अभी तक इसका भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, और कितने पदों की वैकेंसी है। तो करीब देखिए आज के न्यूज़ अपडेट में दिया जा रहा है कि 1.5 लाख पदों की वैकेंसी है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस टीचर, प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक के अलावा जो शिक्षक अन्य भर्तियों में है वो कितने कितने पदों की हो सकती है। तो देखिए 6 to 8 का तो एक यहाँ पर रोस्टर क्लियर हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये वैकेंसीज आकर ऐड हो सकती हैं TRE4 में। ठीक है, चूंकि मैं TRE4 इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो 87,774 जो 74 पद की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, एग्ज़ाम हो चुका है इसका, अब रिजल्ट आना बाकी है। तो इसमें क्या होगा कि इन सभी चीज़ों को लेकर जो है नए सीटों का जो है एडिंग नहीं किया जाएगा, ये सारे सीटें जो है अब नई बहाली में यानी TRE4 में जाएगा। अब TRE4 को लेकर यहाँ पर क्या अपडेट है कि 1,50,000 की वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए इतनी वैकेंसी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ इसमें से कम 1 लाख या 80,000, 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में ये TRE4 का संभावना बनाया जा रहा है। आइए इन सभी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी छात्रों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि देखिए 21 तारीख का डेट में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, और ये जो दोस्तों कृषि विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी उसको लेकर, अब इससे क्या संबंध है आप लोगों का वैकेंसी से, तो इस नोटिफिकेशन को पहले हम लोग थोड़ा सा डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और ये आपके लिए शिक्षक भर्ती के लिए भी क्यों अपडेट है। ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ये दिया गया है ताती या तातवा जाति के जो लोग हैं उनको ST कैटेगरी में रखा गया था पहले, अब उनको EBC कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, तो उनको सूचना दिया गया है कि एज़ फॉर द अपील जो हुआ था यहाँ पर, जो पटना हाई कोर्ट में था, और जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच वर्सेस जो है यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार था, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय है ना, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मामला था ये पारित, उसके आदेश के आलोक में यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासनिक विभाग के तहत यहाँ पर जो संख्याएँ हैं, और 12 अगस्त 2024 को एक अपडेट आता है कि बिहार गजट में तातवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अनुसूची 1 में जोड़ा जाए, है ना, पुनर्व्यवस्थित किया जाए इसको, यानी पुनर्स्थापित किया जाए। तो अभी इन लोगों के लिए यहाँ पर BPSC जारी जो इस आदेश के बाद जो अपडेट किया है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है ना अपना EBC का जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, अब जितने भी इस जाति से संबंधित छात्र हैं, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप TRE3 भी दिए हैं तो अपना EBC सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अभी भी, अगर आपने ST कैटेगरी में एग्ज़ाम भी दे दिया है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन EBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसके अनुसार सारा चीज़ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये तो इस कृषि विभाग के लिए अपडेट करने का टाइम दिया गया है कि अपना यूज़र नेम पासवर्ड से ओपन करके डैशबोर्ड अपना BPSC वाला वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, जो नया आपका ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बनेगा EBC का जो सर्टिफिकेट अब बनेगा, तो ऐसा काम आप लोग के साथ भी करवाया जाएगा। तो पहला सूचना है आप लोग के लिए, जो भी इस जाति से संबंधित है वो अपना सुधार ज़रूर करवा लेंगे। आइए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है दोस्तों कि इस नोटिफिकेशन को लेकर, देखिए यहाँ पे पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, जितना भी प्रमंडल है हमारा, इन सभी प्रमंडल में जिला का, है ना, जिला का नाम दिया गया है, और यहाँ पे विषय दिया गया, और ये कक्षा 6 से 8 का टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ जो सीट है, ये विषयवार रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि कक्षा TRE1 और TRE2
के बाद यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं और पद का सृजन के जो भी पश्चात जो है जिलावार विषयवार रिक्तियों की संख्या है, यानी कि 5,957 जो है 6 to 8 में आपका, ठीक है, 6 to 8 में कितना है बहाली, तो 5,957 ये किस में है, 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज और जिलावार यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, किस जिला में कितने सीटें हैं रिक्त यहाँ पर उसकी जानकारी दी गई है, किस विषय का कितना सीट है वो जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, टोटल 5,957 सीटें हैं जो कि 6 to 8 में जोड़ी जाएंगी। तो ये जो जोड़ी जाएंगी, ये जो आज का न्यूज़ अपडेट होकर आ रहा है दोस्तों, मैं आपको न्यूज़ भी दिखलाना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, इस न्यूज़ को देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षकों के लिए 1.5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी जल्द, शिक्षा मंत्री ने ये अपडेट दिया है। और इसमें प्रधाना शिक्षक, है ना, प्रधान शिक्षक होंगे यानी कि जो हेड टीचर हेड प्रिंसिपल होंगे, है ना, प्रधानाध्यापक यानी कि जो टीचर होते हैं बीपीएससी टीआरई के थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं, और कंप्यूटर शिक्षक। देखिए कंप्यूटर शिक्षक को अलग से क्यों लिखा गया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने अपने विधानसभा में अभिभाषण में कहा था कि कंप्यूटर टीचर का जो है लगभग यहाँ पर, है ना, कंप्यूटर टीचर का लगभग यहाँ पर 26,000 सीटें अभी रिक्त हैं, जिसके लिए हम सृजन हो चुका है और ये नई बहाली में आपको जोड़ा जाएगा। तो ये TRE 3 में नहीं जोड़ा जाएगा, ये जो भी बहाली आएगा TRE 4 TRE 5 में दिया जाएगा। अब इतनी सीटें हैं तो एक बार में तो दी नहीं जाएगी, इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर करके दिया जाएगा हो सके तो। तो ये जानकारी यहाँ से, और ये जो है 1.5 लाख अधिक पदों के लेकर सुनील कुमार जी ने यहाँ पर बुधवार जनता दल दरबार में इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के 1.5 लाख से अधिक पदों की बहाली के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। और यहाँ बताया कि हम लोगों ने अपनी डिमांड आयोग को भेज दिया है, हम लोग 1.5 लाख से अधिक पदों पर उनकी बहाली कराना चाहते हैं और वैकेंसी जो है आएगी। और यह सवाल है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यहाँ पर कहा कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों को 10-10 जर्जर सरकारी स्कूल का सूची मांगा है। तो खैर ये तो भवन निर्माण के लिए बात हुई है, लेकिन अब जब यहाँ पे कंप्यूटर टीचर की बात हो रही है तो उस पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं, है ना। ये तीसरा आप लोग का सवाल है कि सर कंप्यूटर टीचर के लिए जो एज रिलेक्सेशन था वो नहीं दिया गया था TRE 2 के दौरान, जबकि सिर्फ एक बार ही एज में छूट दिया गया था आप लोग जैसा कि पता होगा TRE 1 के दौरान। और जब कंप्यूटर शिक्षक जो है अपने उम्र सीमा में अधिक यहाँ पर मांग करने को ले गए और कॉमर्स टीचर वाले जो थे वो अपने उम्र सीमा में मांग करने को ले गए तो ये नकार दिया गया है। TRE 2 में इन लोगों को उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया, तो एज में एग्जम्पशन यहाँ पे मिलने चाहिए, एज में रिलेक्शन इनको मिलना चाहिए। क्यों, इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए ये सबको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था, ये 16 अगस्त का नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि नियमित नियुक्ति के क्रम में अगर आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, परमानेंट जॉब करना चाहते हैं, उसके क्रम में जो कॉन्ट्रैक्ट पे यानी संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा और अंक की अधिमानता दिए जाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण संबंध है, ये सूचना कहता है यहाँ पर, इसको पढ़िएगा अच्छे से, है ना। तो इसमें कहा गया है कि जो लोग कार्यरत हैं कहीं ना कहीं किसी भी विभाग में और वो चाहते हैं यहाँ पर शिक्षक बनना, है ना, तो उनको यहाँ पे उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, इस पे विचार किया जाए गया है। और दोनों चरणों में PT और मेंस जैसे कि अगर किसी विभाग में होता है तो दोनों चरणों में उनको यहाँ पर इसकी अधिमानता में प्रायोरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, उनका जो अंक है हर साल के लिए 5 अंक उनको देय है, इसको जोड़ने जाने की बात की जाए लगा मेरिट में भी, तो ये आपको बता दें कि मेरिट में भी इनको यहाँ पे इसका सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब अपडेट मैंने आपको पिछले वीडियो में किया भी था उम्र सीमा को लेकर, क्योंकि क्या है कि जो लोग किसी भी विभाग में कार्यरत हैं और संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे हैं उनको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। स्थलीकरण का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाए तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, इसलिए PT और मेंस दोनों में उनको बेनिफिट मिले इस चीज़ का, हर एक विभाग में जो वैकेंसी निकल रही है। तो इसके अनुसार देखिएगा तो BPSC TRE जो आपका होगा, है ना, अगला, या फिर अगर हम बात कर TRE 4 की बात कर लेते हैं तो उसमें आपको उम्र सीमा में छूट उनको दिया जा रहा है जो कि संविदा पर आधारित कहीं कार्यरत हैं, लेकिन आयोग से ये विनती करेंगे कि उनको भी छूट मिलना चाहिए जो कि कंप्यूटर कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट जो कि कई एक वर्षों से यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है बिहार में, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। अब देखा जाए तो एक साल के अंदर जो है आप लोग यहाँ पर 3 बार परीक्षा ले लिए, BPSC TRE 1 TRE 2 और TRE 3, ठीक है, 3 परीक्षाएँ हो गई और इसके साथ साथ STET 2 परीक्षा हो गया,
एसटीईटी 2023 और 2024, यानी कि कुल मिला के 5 परीक्षाएं हो गई और कंप्यूटर शिक्षकों से एसटीईटी भी दो बार एग्ज़ाम ले लिया गया। तो ये एग्ज़ाम आखिर लिया जा रहा है तो उन शिक्षकों को बेनिफिट मिलना चाहिए जो इसको क्लियर कर रहे हैं, जिनका कि ओवर एज हो चुका है, तो उम्र सीमा में उनको छूट मिलना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताई जा रही है शिक्षा मंत्री के द्वारा, लगभग 26,000 की सीटों की संख्या बताई गई है। तो ये एक सूचना है और एक मांग है यहाँ से कि उम्र सीमा में उनको छूट देनी चाहिए। एक न्यूज़ अपडेट और आया है दोस्तों, जो कि तीसरे चरण की नियुक्ति के में बढ़ेंगे अध्यापकों के सीट, ये आज न्यूज़पेपर की तरफ से अपडेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि ऐसे में अगर जो भी रोस्टर क्लियरेंस करके मांगा गया है, बैकलॉग की जो वैकेंसीज मांगी गई है, उसको तीसरे चरण में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रक्रियाधीन है ये बहाली, ठीक है। और इस बहाली में फिर बीच में अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पर सीटों को, एक ध्यान रखिएगा चीज़ों को, अगर सीटों को आप ऐड करते हैं तो कट ऑफ में जो है छात्रों के कट ऑफ में जो है ऊपर नीचे होगा, यहाँ पे बहुत सारा कट ऑफ नीचे गिरेगा और कट ऑफ नीचे गिरने के चलते जो है क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको छात्रों को उठाना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आयोग नहीं चाहेगा कि इतनी डिस्टर्बेंस हो, इसलिए जैसा कि मेरी समझ कहती है कि जितने भी बहाली रोस्टर क्लियरेंस करके निकाली जा रही है, इन सब की बहाली की प्रक्रिया TRE 4 के दौरान जोड़ी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर 1.5 लाख वैकेंसीज का अपडेट दिया जा रहा है कि ये वैकेंसीज आ सकती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कक्षा 6-1 से लेकर 8 तक का भी रोस्टर क्लियरेंस ले लिया गया है और 9 से लेकर 12 तक का भी 3 दिन का समय देकर इनका रोस्टर क्लियरेंस मंगवाया गया है। तो ये स्थिति में जो जितनी भी सीटें अगर खाली होंगी वो TRE 4 में इंक्लूड की जाएंगी, यानी कि 1.5 लाख की वैकेंसी में उसको ऐड किया जाएगा। तो ये सूचना थी। अब एक सवाल आखिरी आपका ये भी है यहाँ पर कि सर जो STET छात्र मतलब देंगे सितंबर महीने में, ये सवाल है आप लोगों का, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि जो छात्र 1.5 लाख की वैकेंसीज का इंतज़ार कर रहे हैं TRE 4 का, है ना, उनके लिए कि STET जो द्वितीय होने वाला है इस साल का, उसमें मौका मिल पाएगा क्या TRE 4 में, ये आप लोगों का सवाल है। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो STET हो रहा है और ये इसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है जो प्रथम हुआ है, ठीक है, इसका रिजल्ट शायद 30 अगस्त तक दे दिया जाए या 1 सितंबर तक आ जाएगा इसका अपडेट, है ना, जो कि प्रथम हुआ है उसका रिजल्ट को लेकर। लेकिन जो दूसरा होगा वो नोटिफिकेशन ही निकलेगा आपका कब, जब TRE 4 का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर TRE 3 का भी जो रिजल्ट है वो आरक्षण को लेकर चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं, है ना, बिहार GAT के तरफ से जो अपडेट आएगा उसके बाद ही वहाँ पे सब कुछ रिजल्ट वगैरह दिया जाएगा, तो उस बीच में तो आपका ये नोटिफिकेशन तो आ नहीं सकता है। हाँ, ये इसका रिजल्ट भले ही आ सकता है जो कि फर्स्ट प्रथम वाले का, और दूसरे वाले का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखिएगा तो इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और इस नोटिफिकेशन से पहले अगर इसका एग्ज़ाम ले लिया गया, है ना, तभी आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बस ये आप समझ लीजिएगा। अब डिपेंड करता है BACB पे कि ये कितनी जल्दी दूसरा वाला एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराता है, नहीं करवा पाया एग्ज़ाम कंडक्ट तो फिर इसमें बैठने का आपको मौका नहीं मिलेगा। और रिजल्ट भी आ जाना चाहिए STET द्वितीय का, तभी आप TRE 4 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये आपके सवाल का जवाब हुआ। कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी को लेकर मैंने वीडियो कई बनाए हुए हैं, कोई भी डाउट है तो पूछिएगा इस पे। उम्र सीमा को लेकर अभी मैंने बताया यहाँ पर कि संविदा कर्मियों को जिस तरह से छूट मिल रही है और PT और मेंस दोनों एग्ज़ाम में उनको अंक की बढ़ोतरी भी मिल रही है, तो उसी तरह जो है सभी छात्रों को इसमें जो है एज में रिलेक्सेशन देना चाहिए सरकार को और आयोग को भी। प्रधानाध्यापक के पद पर भी परीक्षाएं यहाँ पे अभी अटकी पड़ी हुई है, उनके रिजल्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाते आरक्षण वाला मामला को लेकर, उसके बाद इनका रिजल्ट आएगा और नए पद जो है प्रधानाध्यापक के निकाले जाएंगे TRE 4 के दौरान इस 1.5 लाख की भर्ती में। तो ये सारी सूचना थी दोस्तों जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने अपडेट कर दिया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।